नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि DRDO में न्यू अपडेट आया है दिल्ली वालों के लिए। वहाँ पे जो भी सारा है दिल्ली वालों के लिए अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में DRDO में आप अप्लीकेशन कीजिए और उसमें जो ट्रेनिंग है अप्रेंटिस का उसे आप ज्वाइन कीजिए। तो मैं सारा नोटिफिकेशन आप सभी को बताने वाला हूँ, क्या DRDO में नोटिफिकेशन आया है और किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है और कभी से कभी तक लास्ट डेट है और कितना आपको उसमें स्टाइपेंड मिलने वाला है, सारे आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से आप सभी को बता दूँ कि गौतम प्रजापति यूट्यूब चैनल पे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऐसे ही आप सभी को इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के ले के आते रहूँगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि DRDO के मेन वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ DRDO के द्वारा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन आप एंगेजमेंट अप्रेंटिस अंडर में अप्रेंटिस एक्ट के लिए, ठीक है, 1961 फॉर वन ईयर्स, ठीक है, या ISSA दिल्ली के लिए। तो आपको पहले मैं बताया कि दिल्ली के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया DRDO के लिए। तो DRDO में जो भी नोटिफिकेशन है आप सभी को मैं सीरियल वाइज से एक एक करके आप सभी को बताते जाऊँगा। और भी DRDO में बहुत सारे वैकेंसी चल रही है तो उसके बारे में मैं आप सभी को नोटिफिकेशन जैसे देते आ रहा हूँ, आज भी मैं उसी के से रिलेटेड DRDO के जो अपडेट हैं वो आप सभी के बीच में लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो बहुत ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी आप सभी के लिए आगे वीडियो लेके आते रहूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन मैं ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम स्टडीज़ एंड एनालिस, तो ISSA का पूरा फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फुल फॉर्म है इसके ही तहत जो DRDO में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकल कर आई है उसमें आप किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं और कभी से कभी तक और कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है उसके बारे में ही मैं बात करने वाला हूँ। तो DRDO का भी अगर आप पूरा फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पूरा फुल फॉर्म है उसका इंग्लिश में। और स्टाइपेंड की बात करूँ तो इसमें 9000 स्टाइपेंड मिलने वाला है DRDO में। और एक किसके लिए एलिजिबल है वो भी जान लीजिए। यहाँ पे BA और BTech के लिए डिग्री वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। और इससे रिलेटेड आप कौन से वेबसाइट पे जाकर आपको फॉर्म भरने के लिए मिलने वाला है तो यहाँ पे www.drdo.government.in पे आप जाके एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और मेल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी तरीके का तो आप मेल कर सकते हैं hrda.issa@government.in पे, इस पर आप मेल करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप बता सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इस पर शेयर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि आर कॉरपोरेशन एंड कैंडिडेट इन आर द थर्ड इमेलेट ईमेल ओनली, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी थिंकिंग है तो आप ईमेल के द्वारा बता सकते हैं। और ST/ST OBC कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट जो सबमिशन डेट है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट हीलिंग विथ अदर क्लेम टू रिजर्वेशन विल बी द कंसीडर जनरल कैटेगरी ओनली, ठीक है। तो कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम इसमें बता रहा है कि जनरल कैटेगरी के लिए क्लेम के लिए दिया है ओनली जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी सारे के लिए ओपन है। और यहाँ पे कब तक हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन में कि लास्ट डेट सबमिशन आप 21 डेज में आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इसके बीच में ही क्या कर सकते हैं आप फॉर्म को अप्लाई पूरा सबमिट कर सकते हैं। तो अगर इसके बाद आप करते हैं तो आपका जो फॉर्म है सबमिट नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं क्या इसमें और नोटिफिकेशन में दिया गया हमारे। तो यहाँ पर कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड इंटरव्यू बेसिक, तो जो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है इंटरव्यू के द्वारा और मेरिट बेस पे आपको सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं कि बोर्ड आप कंसीडर डायरेक्टर ISSA के द्वारा जो तहत एप्लीकेशन जारी हुआ है उसमें आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आपका है कंप्यूटर साइंस का उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आपके द्वारा पूछे जाएंगे और उससे रिलेटेड आपकी जो ज्वाइनिंग भी होने वाली है। यहाँ पे देख रहे हैं कि लेटर के द्वारा आपको जब ज्वाइनिंग करना रहेगा तो आपको लेटर के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो
आपका जो इंफॉर्मेशन दिया है, कभी कभी तक के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे होते हैं कि पुराने स्टूडेंट जो 2 इयर्स 3 इयर्स बाद वाले भी, वो भी सोचते हैं कि हम अप्रेंटिस करना चाहते हैं DRDO में, तो वो सभी भी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मतलब नोटिफिकेशन आ गया कि वो भी इजी तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट विल बी ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 2020 21 और 22, यहाँ पे 3 इयर्स के लिए 2020 2021 2022 वाले स्टूडेंट सारे अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं। तो ये सारे नोटिफिकेशन आप ध्यान में रखिएगा, और नोटिफिकेशन बता दूँ कि सिर्फ और सिर्फ 1 इयर्स के लिए DRDO यहाँ पे दे रहा है। ऐसे ही जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी आप सभी के बीच में मैं लेके आते रहूँगा। तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको सीखने के लिए मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के बीच में लेके आते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।